बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर मारी गोली, पूरे इलाके में फैली सनसनी। बिहार के किशनगंज जिले के दिघल बैंक प्रखंड के तुलसिया पुराना हाट निवासी नसीम अख्तर उर्फ चुन्नू की उसके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात में किसी वक्त हुई हत्या की जानकारी परिजनों को मंगलवार की सुबह हुई। मौके पर पहुंची पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी है। बताया जाता है कि नसीम अख्तर उर्फ चुन्नू अपने घर के बाहर वाले कमरे में सोया था। नसीम कभी अपने कमरे का दरवाजा लगाकर नहीं सोता था। इसकी भनक घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को पहले से थी। इसी का फायदा उठाते हुए सोमवार की देर रात बदमाशों ने नसीम अख्तर के घर में घुसकर उसके सिर में गोली मार दी। वह देर से उठने का आदि था, इसीलिए मंगलवार की सुबह किसी ने उसके कमरे की ओर ध्यान नहीं दिया। मंगलवार की सुबह लगभग 9 बजे जब उसके घर काम करने वाले मजदूरों ने अंदर झांका तो खून से लथपथ शव देखकर खलबली मच गई। उसके परिजनों ने दिघल बैंक थाना को घटना की सूचना दी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि गोली मारने वाला व्यक्ति उसका काफी करीबी है। घटना की सूचना मिलते ही दिघल बैंक थाना अध्यक्ष सुनील कुमार कमरे पर पहुंचे। पुलिस ने कमरे का मुआयना किया और वहां रखी सभी चीजों को जब्त कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नसीम के परिजनों ने बताया कि पिछले 7-8 वर्ष से वह घर में ही रहता था और कहीं आता जाता भी नहीं था। घर के बाहर वाले कमरे में रहता था। नसीम अविवाहित होने की वजह से कमरे में अकेला ही सोता था। दिघल बैंक थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि अभी पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। बहरहाल देखते रहिए वन न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।